दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कहानी और दास्ता पूरी दुनिया सुना रही है, और उसकी एक कहानी और दास्ता सुनकर हर कोई जुनून, उत्साह और जज्बात से भर जाता है। आखिर कौन है ये खिलाड़ी जिसका हर कोई कायल हो रहा है, हर किसी की जुबान पर उसका नाम आ रहा है। चलिए जानते हैं इस खिलाड़ी के बारे में। नाम है समर जोसेफ, जिसने जज्बे और जुनून की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। अगर आप इस खिलाड़ी की कहानी सुनोगे तो ये मेरा वादा है कि आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। समर जोसेफ कैरिबियाई देश वेस्ट इंडीज के एक छोटे से शहर बाराकारा से आते हैं, जहां पहुंचने में भी 2 दिन का सफर तय करना होता है, और वो भी नाव के जरिए। बाराकारा एक ऐसी जगह जहां सोशल मीडिया का दूर दूर तक कोई जिक्र तक नहीं होता। वहां एक लड़का जिसके पास क्रिकेट खेलने के लिए एक रबर की टेप बॉल भी नहीं है, जो लड़का प्लास्टिक की बोतलों को गलाकर खेलने के लिए गेंद तैयार करता है और बॉलिंग करने की प्रैक्टिस करता है। क्रिश्चियन फैमिली में होने के कारण धार्मिक कार्यों में लगे रहना और घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होना, फिर भी इस लड़के ने जो संघर्ष किया वो काबिले तारीफ। कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। ऐसे परिवार से निकलने वाला ये लड़का लकड़ी काटने से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक का काम करता है अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए, और रोज प्रैक्टिस भी करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वह लड़का जिसका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हो, वह लड़का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की रैंकिंग में नंबर 1 पर अपना दबदबा बनाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आप कहानी देखिए, आप संघर्ष देखिए, आप संसाधनों का अभाव देखिए। बचपन में लकड़ी काटते हुए जब पेड़ गिरता है तो उससे बाल बाल बचते हैं, किस्मत उनका साथ देती है। परिवार का खर्चा चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तक का काम करना पड़ता है, फिर भी अपने सपनों के लिए कायम रहता है। वह लड़का जो लगातार संघर्ष करता हुआ आ रहा है, चला आ रहा है और बढ़ता चला आ रहा है। 200 से 300 की आबादी वाले गांव से निकलकर एक लड़का आज पूरी दुनिया की जुबान पर बैठ चुका है, जिसके लिए एबी डिविलियर्स और ब्रायन लारा जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर लिख रहे हैं। ये 25 साल का लड़का जब ऑस्ट्रेलिया में 21 साल बाद गाबा के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को ही धूल चटाता है। ये महीना था जनवरी का, तारीख 28 जनवरी 2024, जगह ऑस्ट्रेलिया, गाबा का क्रिकेट मैदान, मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज पिंक बॉल टेस्ट मैच। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए महान बल्लेबाज ब्रायन लारा भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। कल परसों की बनी हुई वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में गाबा जैसे अभेद्य किले में हरा कर उसका घमंड चूर चूर कर दिया और इतिहास बदल कर रख दिया। और इतिहास बदला है समर जोसेफ ने, जिसने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया है। ये गाबा का वही मैदान है जहां आज तक ऑस्ट्रेलिया को भारत के अलावा कोई हरा नहीं पाया था। बस फर्क इतना था कि उस समय हीरो ऋषभ पंत थे और इस बार समर जोसेफ। इसी लड़के को इसी मैदान पर मैच के समय मिचेल स्टार्क, जिनको दुनिया का सबसे घातक तेज गेंदबाज भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी तीखी योकर गेंद से इनके पैर के अंगूठे को बुरी तरह घायल कर दिया। दर्द के मारे समर जोसेफ करा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए उनको मैदान से बाहर लेकर जाया जाता है। दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हालत इतनी खराब हो गई कि एक बार तो ऐसा लगा कि अब समर जोसेफ बॉलिंग नहीं करा पाएंगे, लेकिन समर जोसेफ ने अपने कप्तान से कहा था कि जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और कहते हैं ना दोस्तों, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। समर जोसेफ उठ खड़े होते हैं और पहुंचते हैं उसी गाबा के मैदान में जिसने उसे जख्म दिया था। समर जोसेफ को कप्तान ने गेंदबाजी के लिए उनके हाथों में गेंद थमाई जाती है, और पहली बॉल पर विश्व के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को आउट करते हैं, दूसरी गेंद पर मार्नस लबुसेन को। इस तरह बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए समर जोसेफ ने टोटल 7 विकेट लिए और कंगारू को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं। और समर जोसेफ इस तरह की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कंगारू को धूल चटाते हैं और बन जाते हैं मैच के हीरो। दोस्तों, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पूरी दुनिया जानने लगती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और समर जोसेफ, जिन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष के बाद इतना टैलेंट पाया, डिजर्व करता है ये बंदा इस सम्मान के लिए, अपने आप को उस पद पर, उस मंच पर अपने आप को रखता है। ये कहानी थी समर जोसेफ की, संघर्ष की, जज्बात की और जुनून की। ये प्रेरणादायी कहानी इस बंदे की, एक ऐसा पल जिसे कोई नहीं भुला पाएगा। जब भी क्रिकेट के इतिहास में संघर्ष की बात होगी तो सिर्फ एक नाम गूंजेगा, वह समर जोसेफ। समर जोसेफ की कहानी हमेशा याद दिलाई जाएगी,
दोस्तों अब यहाँ से समर जोसेफ का सफर आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा और पूरी दुनिया की निगाहें समर जोसेफ पर टिकी रहेगी और हमारी शुभकामनाएं भी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।